हेलो सीयूटीएंस, आई एम दीक्षा। एज यू ऑल नो द डेट्स हैव ऑफिशियली बीन अनाउंस्ड। एग्जाम की डेट्स आपके अनाउंस हो चुकी हैं। सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। बहुत बड़ा मेजर अपडेट है आप सबके लिए। वो स्टूडेंट जो सीयूटी के लिए कब से वेट कर रहे थे, जिन्होंने कुछ महीने पहले एग्जाम दिया था पर शायद किसी कारणवश या किसी रीजन की वजह से वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, अगेन दे हैव अ चांस, दे हैव अ गोल्डन चांस, जहाँ पे आप फिर से मेहनत करके, पढ़ाई करके, एक्सट्रीम लेवल पे अपने आप को पुश करके ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो द अपडेट सिंपली सेज दैट हमारा एक पब्लिक नोटिस है, रिलीज ऑफ द एनटी एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024। हमारे पास एक ग्राफ है, ये आपकी डेट शीट है, ये आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन्स 2023 सेशन 1, इसकी डेट्स ऑफ आपकी एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, फ्रॉम 24th to 31st ऑफ जनवरी 2023 आपकी एग्जामिनेशन डेट्स है। इसकी जो रिजर्व डेट्स आपकी रखी गई हैं, दे आर 1, 2, 3 February 2023, राइट। जेईई एग्जामिनेशन जेईई जो मेन्स है, अगेन उसका सेशन 2 है आपका, उसके लिए आपकी 6, 8, 10, 11, 12 April 2023 रखा गया है। रिजर्व डेट्स आपकी 13 और 15 रखी गई हैं। उसके बाद आपका ICAR, AIEEE, इसकी डेट्स 26, 27, 28, 29 April 2023 है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट आपका, इसकी डेट 7 मई 2023। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, CUET की एग्जामिनेशन डेट्स 21st to 31st May। 21 मई से 31 मई तक आपकी डेट्स अनाउंस की जा चुकी हैं। इसकी रिजर्व डेट जो रखी गई है, इट्स 1st to 7th June 2023, ये आपकी रिजर्व डेट रखी गई है। एंड देन फर्दर क्वालिफिकेशंस के लिए इनको छोड़ दिया गया है। लेट मी टेल यू, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश के लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजी है, राइट। आपके सबसे ज़्यादा जो सवाल आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में से आने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में से आने वाले हैं। तो इन पैसेजेस के लिए हमारे पास बेसिकली यहाँ तीन टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप विल बी फैक्चुअल, राइट। द सेकेंड टाइप विल बी नैरेटिव। ये मैं बात कर रही हूँ यहाँ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस की, तीन टाइप्स हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड द थर्ड वन इज लिटरेरी। फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, राइट। ये जो है फैक्चुअल पैसेज में हम बात करते हैं जहां आपके सामने फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, जहां आपके सामने डेटाज होते हैं, उन डेटाज पे बेस पैसेजेस होते हैं, सिंपल से सवाल होता है, उनका आपको आंसर देना होता है। सेकंड आपके सामने पैसेज आता है, इट्स नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा पैसेज जहां पे आपके सामने प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरीज होती है, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दीज आर कॉल्ड द नैरेटिव पैसेजेस। द थर्ड इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वी हैव इज द लिटरेरी पैसेज, जहाँ पे आपके सामने एक्सर्प्ट्स होते हैं, पोम्स होती हैं, और उनके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको उन्हें सिंपली आंसर करना होता है। चार ऑप्शन होते हैं आपके पास, उनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की बात करें तो वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपका सिनोनिम एंटोनिम होता है, यहाँ पे आपकी इडियम्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें जिसको हम इनमें ऐड ऑन करेंगे। जस्ट मेक श्योर ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको अपने CUET में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करने हैं। आपका डोमेन जो भी है, आपने डोमेन में जो भी तीन सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं या जो भी आपने मैपिंग किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा अजर्शन एंड रीजन। लेट मी टेल यू कि ये जो टॉपिक है या इससे जो भी सवाल आते हैं,
ये रीजनिंग का पार्ट है एंड इट इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वन. ये बहुत ट्रिकी होता है. इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप पूरे अच्छे नंबर या कंप्लीट नंबर स्कोर कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एट द वेरी सेम टाइम. बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड वी आर कमिंग अप विद फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज टू प्रेप अप विद यू द बेस्ट टू प्रेप अप विद यू इन द बेस्ट वे. राइट, बहुत अच्छे से हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की एक नए तरीके से बहुत जल्दी. टिल देन स्टे विद अस. थैंक यू.